Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 11 of class 6th history. So this is the last chapter of class 6th history and the chapter's name is Buildings, Paintings and Books. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So now let's start with our today's chapter, Buildings, Paintings and Books. So जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में आज हम पुराने टाइम के कुछ बिल्डिंग्स के बारे में देखेंगे, पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे एंड बुक्स के बारे में भी पढ़ेंगे उस टाइम की. सो दिस इज मरुतसामी एंड मरुतसामी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है फेमस आयरन फिलर को देखने के लिए. सो मरुतसामी जो है वो व्हील चेयर पर बैठा होता है एंड उसका ब्रदर उसकी व्हील चेयर को धक्का लगा रहा होता है एंड ये लोग पूरे जर्नी में अलग अलग तरह के रास्तों से होते हुए आते हैं, जो डस्टी पाथ हो गए, स्टोनी पाथ, ठीक है, तो ये सभी तरह के पाथ से होकर आते हैं एंड कुतुब मीनार के पास से होते हुए गुजरते हैं एंड इन सभी टफ रास्तों को पार करते हुए वो आयरन पिलर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, पहुँचते हैं. एंड इट वॉज एन अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस. तो मरुतसामी के लिए ये बहुत ही अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इस आयरन पिलर में, एक लोहे के खंभे में ऐसा क्या स्पेशल है, वाई मरुतसामी वो सो एक्साइटेड टू सी द आयरन पिलर. तो चलो देखते हैं कि आयरन पिलर में ऐसा क्या स्पेशल था. राइट, द आयरन पिलर. तो ये जो आयरन पिलर है ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है एंड ये हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन की स्किल्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ये आयरन का बना हुआ है, हाइट लगभग 7.2 मीटर है एंड इसका जो वेट है वो 3 टन से भी ज़्यादा है. सो 1 टन में कितने केजी होता है, अराउंड 1000 केजी. इट मीन्स 3 टन 3000 केजी से भी ज़्यादा भारी है ये जो लोहे का खंभा है एंड ये पिलर आज से लगभग 1500 ईयर्स पुराना है. सो अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता चला कि ये 1500 ईयर्स पुराना है, इसमें क्या डेट लिखी थी. सो देखो, इस पिलर पे एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसमें एक रूलर है चंद्र करके, उनका मेंशन है एंड हो सकता है कि ये जो रूलर हैं जिनका नाम चंद्र, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हों. राइट, एंड गुप्ता डायनेस्टी आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले के टाइम पे थी. तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हो सकता है कि 1500 ईयर्स पुराना पिलर है. अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ कि आपके घर में लोहे का सामान तो होगा ही होगा एंड आपने नोटिस किया होगा कि अगर उस लोहे के सामान पे थोड़ा बहुत पानी वानी गिर जाता है तो एक दो दिन के अंदर अंदर उस पर रस्टिंग होने लगती है, उस पर जंग लग जाता है. राइट, येलो येलो सा, ऑरेंज सा सब्सटेंस आ जाता है ना, उसकी कोटिंग हो जाती है, रस्टिंग होने लगती है. अब देखो, ये जो आयरन पिलर है ये लगभग कितना पुराना है, 1500 ईयर्स पुराना है एंड अभी तक इस आयरन पिलर पे कोई रस्टिंग नहीं हुई है, इस पर कोई जंग नहीं लगा है. दिस पिलर हैज़ नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स. अब पता चला क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मरुतसम, क्योंकि इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं. ठीक है, तो अगर आप बोलोगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया टेस्ट में कि वाई द आयरन पिलर इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी सिग्निफिकेंस बताओ, तो आप तीन चार पॉइंट लिख सकते हो कि सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा पुराना है, 1500 ईयर्स पहले है, तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल चीज़ हो गई हमारे लिए. दूसरा, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पुराने टाइम के इंडियन क्राफ्ट पर्सन के स्किल का कि कितने अच्छे से उन लोगों ने बनाया हुआ है. इस पर आप यहाँ पिक्चर में देखो, ये देखो, ये जो इस पर नक्काशी की गई है कितने अच्छे से की गई है, तो स्किल का एग्जाम्पल है. उसके बाद ये अभी तक जंग नहीं लगा है. राइट, इस पर रस्टिंग नहीं हुई है. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि उस टाइम पर लोहे को कुछ इस तरीके से बनाया गया, इसको इस तरीके से बनाया था उन क्राफ्ट पर्सन ने कि इस पर जंग ना लगे, तो हजारों साल बाद भी एकदम ठीक है. राइट, नाउ मेटलर्जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट मेटलर्जी मींस. सो मेटलर्जी मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, कि कोई भी जो मेटल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ठीक है, तो इसकी पूरी स्टडी एंड किस किस काम में वो यूज हो सकता है, तो इस सब की स्टडी को कहते हैं मेटलर्जी. नाउ जो पूरे वर्ल्ड की मेटलर्जिकल हिस्ट्री है उसमें हमारे इंडियन मेटलर्जिस्ट ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. मेटलर्जिस्ट कौन होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि मेटलर्जी की स्टडी करते हैं, लाइक मेटल्स की स्टडी करते हैं. सो वो हो गए मेटलर्जिस्ट. सो जो इंडियन मेटलर्जिस्ट हैं उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे वर्ल्ड की मेटलर्जिकल हिस्ट्री में. एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है कि जो हरप्पन सिटी में रहने वाले जो मास्टर क्राफ्टमैन्स थे,
वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे, वो मास्टर थे इस रीजन में। एंड इसके अलावा उनको कॉपर मेटलर्जी की भी काफी अच्छी नॉलेज थी। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। तो जो हरप्पन सिटी के क्राफ्टमैन थे उन लोगों ने कॉपर एंड टिन को मिलाकर ब्रोंज भी बना चुका था उस टाइम तक। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो हरप्पन है वो ब्रोंज एज को बिलोंग करते हैं। एंड ब्रोंज एज के बाद कौन सी एज आई, आयरन एज। एंड इंडियन क्राफ्टमैन ने जो अलग अलग तरह के अलॉय होते हैं आयरन के, जैसे कि आयरन फॉर्ज्ड आयरन हो गई, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, सो ये सभी तरह के अलग अलग तरह के जो आयरन अलॉय हैं वो बनाए हुए हैं। बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। सो पुराने टाइम की काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आज भी मौजूद हैं, एंड वो बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पुराने टाइम के जो इंडियन क्राफ्टमैन थे उनकी स्किल्स को काफ़ी अच्छे से दर्शाती हैं वो बिल्डिंग्स। सो ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स हैं स्तूपाज। एंड ये जो वर्ड स्तूपा है इसका मतलब है माउंड। माउंड मतलब कि किसी चीज़ का ढेर, मिट्टी पत्थर या ऐसे किसी चीज़ का ढेर। अब वैसे तो अलग अलग तरह के स्तूपाज होते हैं, कुछ राउंड एंड टॉल होते हैं, कुछ बिग एंड स्मॉल होते हैं, बट इन सभी डिफरेंसेस के अलावा इन सभी में कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं। सो जनरली क्या होता था कि जो स्तूपा है उसके एकदम सेंटर में, जैसे हार्ट ऑफ स्तूपा भी कहा जाता है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था। अब इस बॉक्स में बुद्धा या फिर उसके उनके फॉलोअर्स के जो बॉडीली रिमेन्स होते हैं, जैसे कि टीथ, बोन, एशेस, तो ये चीज़ें उसमें रखी होती थी। इसके अलावा कभी कभी जो बुद्धा एंड उनके फॉलोअर्स जो चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे कि प्रेशियस स्टोन हो गया, कॉइन्स हो गए, तो ये सभी चीज़ें भी उस बॉक्स में रखी जाती थी। सो इस बॉक्स को कहते क्या है, रेलिक कास्केट। सो इस बॉक्स को ज़मीन में दबा दिया जाता है, इसको अर्थ से कवर कर दिया जाता है, एंड उसके बाद मड ब्रिक हो गई या फिर बेक्ड ब्रिक हो गई, पकी हुई ईंटें हो गई, उनका एक लेयर बिछा दिया जाता है इसके ऊपर। तो इससे क्या होता है, एक डोम सी शेप बन जाती है, गुंबद की सी शेप बन जाती है, हियर यू कैन सी, राइट। एंड कभी कभी इस डोम को चारों तरफ से कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी सजाया जाता है। सो कभी कभी इन स्तूपास के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पाथ बनाया जाता है, एंड इस पाथ को चारों तरफ से रेलिंग से सराउंड किया जाता है, एंड इस पाथ में एक गेटवे के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। एंड जो डिवोटीज हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं एज डिवोशन देने के लिए, ठीक है, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, तो वो इस पाथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। एंड क्या होता था कि ये जो रेलिंग्स बनाई जाती थी, जो गेटवेज थे, उनको डेकोरेटेड स्कल्पचर से सजाया जाता था, ठीक है, जो स्कल्पचर अच्छे अच्छे स्कल्पचर होते थे, मूर्तियाँ होती थी, तो इन सब चीज़ों से उनको सजाया जाता था। सो अमरावती एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में। सो यहाँ पे एक बहुत ही मैग्निफिशेंट सा बड़ा सा स्तूपा था, ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे स्टोन कार्विंग्स, ऐसे तराशे हुए पत्थर जो कि इन स्तूपास को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो आज से लगभग 2000 ईयर्स पहले बनाए गए थे, ठीक है, उन्हें 2000 ईयर्स पहले तराशा गया था। सो पहले बहुत सारी आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी, बड़े बड़े रॉक्स को खाली करके, उनको हॉलो करके, राइट, कि जैसे उनको गड्ढा सा कर दिया और केव बना दी, तो इस तरह से आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी, एंड फिर उन केव्स को स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स के थ्रू उनको डेकोरेट किया जाता था। सो लगभग इसी टाइम पे बहुत सारे जो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स थे वो भी बनाए गए, एंड इन टेम्पल्स में जो लॉर्ड विष्णु, शिवा एंड दुर्गा थे, इनकी पूजा की जाती थी। सो इन टेम्पल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूम था वो था गर्भगृह, जहाँ पे जिस भी देवी देवता की पूजा की जा रही है उसकी मूर्ति रखी जाती थी। सो गर्भगृह में ही जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो अपनी सारी रिलीजियस रिचुअल्स, पूजा पाठ करते थे, एंड जो डिवोटीज होते थे वो यहाँ पे अपनी वॉर्शिप परफॉर्म करते थे, भगवान की पूजा अर्चना करते थे। सो कभी कभी क्या होता था कि जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक बड़ा सा टावर बना दिया जाता था जिसको कहते हैं शिखर, ठीक है, उसको एक स्पेशल प्लेस की तरह दर्शाने के लिए। सो इन शिखर्स को बनाने के लिए काफ़ी केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, एंड बहुत सारे टेम्पल्स में एक खाली स्पेस होता था जिसको मंडपा कहते हैं। सो ये मंडप एक हॉल की तरह होता था जहाँ पे सभी लोग असेंबल होते थे। सो महाबलीपुरम एंड एहोल में कुछ फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स जो हैं वो बने हुए हैं, जो काफ़ी अच्छे से बनाए गए हैं, तो उनके ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पिक्चर्स में। तो जैसे ये जो पिक्चर्स है ये महाबलीपुरम के मोनोलिथिक टेम्पल्स की है। मोनोलिथिक मतलब कि मोनो मतलब एक एंड लिथिक मतलब पत्थर, तो ये जो टेम्पल्स हैं ये पूरे एक बहुत बड़े से एक ही पत्थर से तराश के बनाई गई हैं, ठीक है, तो ये जो भी टेम्पल्स हैं ये एक ही पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर था जिसको ये टेम्पल की शेप दी गई है, तो मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं ये।
एंड यहाँ नीचे आप देखो ये एहोल में एक दुर्गा टेम्पल है, उसकी पिक्चर है। एंड ये टेम्पल आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले बनाया गया था। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, ये पिक्चर उत्तर प्रदेश में एक भीतर गांव करके जगह है, वहां पे ये टेम्पल स्थित है। ये टेम्पल आज से लगभग 1500 ईयर्स पहले बना था। एंड दिस टेम्पल इज मेड अप ऑफ बिग ब्रिक्स एंड स्टोन, राइट।